बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा ये ना मेरे पास जो सूट है ना, इसकी जो पाकिस्तानी प्राइस है वो तो कोई कम से कम ये कुछ 4,000 आई थिंक दिखा रहे हैं। इसकी ये पोस्टर है ना, तो इसकी लुक देख लें। अहद वफा का ये हेयर ड्रेस, और ये जो इसका प्रिंट है, ये दुपट्टा है इस तरह से, ये टुकड़ी सी बनी हुई है इसके अंदर। और मैं आपको ना इसका प्रिंट दिखा देती हूँ एक दफ़ा, वो नज़र में रख लें, अगर आपने बाय भी करना हुआ तो कर लेना। इस तरह से इसका नेक बना हुआ है, ये देखें ऐसे, ये जो है फ्रंट है इसका। और मैं खोल के आपको सारा ओवरऑल दिखाती हूँ। ये ट्राउज़र सिंपल है इसका, ये है जी इसका प्रिंट। कुछ बैक फ्रंट जो है इस तरह से है, इसकी बैक भी दिखाती हूँ मैं अभी आपको। और ये जो बैक का प्रिंट है इसका इस तरह से। और ये जो इसके बाद जी इसका दुपट्टा देख लें, दुपट्टा कुछ इस तरह से इसका प्रिंट है। तो मैंने आपको ये दिखा दिया, ये किस ब्रांड का आई थिंक या जो भी। तो ये ना इस तरह से इसकी मैं डिज़ाइनिंग करूँगी कि ये जो वी थोड़ा सा नेक है ना, इसको बनाऊंगी ऐसे। और ये शर्ट बन गई, ये देखें। और इसके बाद ना जी इसकी जो स्लिट्स है ना, साइड स्लिट्स, वहाँ पे मैंने थोड़ी सी डिज़ाइनिंग की है। ये स्लीव्स बना लिए इसके, स्लीव पे थोड़ी डिज़ाइनिंग दिखाऊंगी आपको और साइड स्लिट्स पे दिखाऊंगी। जो नेक की वीडियो है ना वो मैं कल अपलोड कर दूँगी इंशाल्लाह बहुत जल्द, क्योंकि वीडियो लंबी हो जानी थी। ये मैंने फॉल्स 3-4 इंच का जो है ना फोल्डिंग लगाई है, ये 3-3 इंच के गैप से ना लेसेस अटैच करनी है मैंने, जो लूप्स की तरह बनाई हुई है, कटिंग करके लगाऊंगी। और जो नेक की वीडियो वो तो मैं कल अपलोड कर दूंगी उस फुल मेजरमेंट के साथ इस तरह से। तो ये जो स्लीव्स है ना, ये कटिंग करके इसमें लेस अटैच की है, और इसमें भी जो लेस की वो पत्तियाँ सी है ना वो अटैच की हैं। ये इस तरह से मैंने कुछ ना इसका नेक भी इनके लेस के साथ ही बनाया, लेकिन वो कल दिखा दूंगी मैं आपको उसकी। तो यहाँ से इसकी साइड स्लिट्स देख लें कि 3-3 इंच के ना गैप से मैंने ऐसे ये बना दिए हैं, ऐसे लूप्स लगाई हैं। देखें वे पहले निशान लगा लें 3-3 इंच पे ऐसे। नेक्स्ट टाइम आपको कटिंग भी दिखाया करूँगी जो सूट की ना, फिर आपको सही से आइडिया हो जाया करेगा। ये मैं लेस लेके आई थी, तो इसकी ना मुझे ज़्यादा चौड़ी लग रही थी, इसलिए मैंने इसको कटिंग करके तो इसमें से ना दो दो पीस अलग करके तो वो लगाए हैं इसमें। आजकल बहुत ज़्यादा फैशन लूप्स बना रही हैं स्लिट्स पे, और ये इस तरह के मैंने सोचा ये भी बड़ी अच्छी लग रही हैं, ये भी बना देते हैं। तो इस तरह से ना ये देखें, ये जो निशान लगाए हैं इसके ऊपर, इसके सेंटर में रखते हुए ना ये हम लूप्स लगा लेंगे इस तरह से। ये हमने दो दो के गैप से इन दोनों स्लिट्स पे लगाई हैं, फ्रंट और बैक पे दोनों तरफ। और साथ में ये पलटा लिया था टिश्यू पे है, ये भी लाइट ऑरेंज में है क्योंकि कंट्रास्ट है इसके फ्लावर्स में, तो इसलिए ना ये भी इसके ऊपर रख के तो अब मैं अटैच कर दूंगी इसको। ये देखें, ये भी बहुत नफासत से लगाइएगा, क्योंकि जो स्लिट्स होती है ना ये बड़ी ज़बरदस्त बनी हो तो ही अच्छी लगती हैं, अदरवाइज जो है ना वो कहते हैं कि ये किसी टेलर का काम नहीं है। इस तरह इसके कॉर्नर बनाएं ऐसे बहुत ही नफासत से, और इसको ना फोल्ड करके थोड़ी सी लगाइए। ये देखें इसको ऐसे फोल्ड करके तो बहुत ही नीट काम किया करें ऐसे दोनों साइड पे, और एकदम से बड़ी प्यारी लुक दी इसने, और कस्टमर को भी बड़ा ही अच्छा लगा ये ड्रेस।
जो हमारे कैजुअल ड्रेसेस हैं ना वो हम इस तरह से रेडी कर सकते हैं। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त लग रही है ना। ये देखें, ये होती है नफासत। और अब ये जो स्लीव्स हैं वो भी देख लें, ये सेंटर में से मैंने कटिंग करके जो बाकी लेस है ना वो इसमें अटैच कर दी थी। ये देखें, ये वाली जो लेस है ना इसके साथ से वो उतार के ना पत्तियाँ सी, तो मैंने बाकी लेस में ना इधर अटैच कर दी थी। ये मैं झटपट से आपको ना बना के दिखा देना है। ये देखें, और दूसरा भी बॉर्डर इसके साथ अटैच कर लें ताकि आपका जो टाइम है ना वो बिल्कुल भी ज़ाया ना हो। और कैजुअल ड्रेस जो है ना हमारे वो इसी तरह से अच्छे लगते हैं और वॉशेबल होते हैं। अगर हम ज़्यादा जो गोटा पट्टी वाली लेसेस लगा लें, लगती तो खूबसूरत हैं तो बट ना फिर रफ़ हो जाती हैं। और अब ये जो लूप्स हैं ना ये इधर भी मैंने अटैच करनी है ऐसे रख के। तो सिलाई लगा लें, पहले सेंटर में रख लें क्योंकि 3-3 इंच के गैप से लगानी है आपने, तो 3 ही पूरी आएंगी ये बस। और एक जो है ना मैं पलटे के साथ लगा लूँगी अब उधर ऐसे। और ये देखें, ये भी हो गया कंप्लीट, स्लीव्स जो है ना वो कंप्लीट हो गए। अब जो इसकी लुक है ना वो मैं आपको लेस एक और लगानी है इसके ऊपर, तो फिर मैं दिखाती हूँ। ये जो लेस है ना ये ट्राउज़र पे मैंने यूज़ की है तो इसलिए मैंने स्लीव्स पे भी कर दी है। ये कम चौड़ी वाली ली थी। और ये देखें कितनी ज़बरदस्त लुक आई है इसकी। और अब मैं आपको इसकी जो शर्ट बनाई है उसकी लुक दिखाती हूँ। ये नेक की वीडियो जल्द अज जल्द आने वाली है तो वो आप देख लीजिएगा। कुछ इस तरह से मैंने ये बनाई है, इस फुल मेजरमेंट्स के साथ आपको कल जो है ना वो इसकी पूरी डिटेल्स बताऊँगी और वीडियो भी दिखा दूँगी इस तरह से। ये देखें, ये पट्टी लगाई है और ये जो स्लिट्स हैं इसकी अच्छी लग रही है ना। ये पहना हुआ भी ड्रेस बड़ा अच्छा लगेगा, आप ट्राई तो करें। और ये देखें स्लीव्स भी सिंपल भी और प्यारे भी हैं, देखा। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कमेंट्स और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑल कर लें ताकि आने वाली मेरी वीडियो की अपडेट्स सब तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं कल नेक की वीडियो के साथ और फिर उसके बाद ट्राउज़र की वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अपना ख्याल रखें और अपने से ज़्यादा दूसरों का। अल्लाह हाफिज़।